राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार 1 जुलाई को बेहद ही आक्रामक नजर आए हैं। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयानों का जिक्र करते हुए राज्यसभा में हाथ जोड़कर माफी मांग ली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा क्या कहा, उन्हें माफी मांगनी पड़ गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दिए गए भाषणों का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को बताया कि किस तरह से कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को एक धर्म विषय से जोड़ा गया। खड़गे ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस को हमला बोलते हुए कई विवादित बयान दिए, जिस पर पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की, मगर किसी तरह का कोई भी एक्शन पीएम के खिलाफ नहीं लिया गया।